हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ती की कटिंग, और इसका बैक पीस बिल्कुल प्लेन है, दूसरे कपड़े से है और ये अलग है। और सबसे पहले देखिए, इसका गला भी बना हुआ नहीं है, सिर्फ इसमें कढ़ाई हुई है और गला हमें इसका खुद से बनाना है। तो सबसे पहले इसके हम दोनों पीस को अलग कर लेंगे। यहाँ से इसमें सिलाई होके जॉइंट है, आजकल बहुत चल रहे हैं ये सिलाई वाले, तो इसे यहाँ से सबसे पहले अलग करेंगे। और देखिए, अब ये इसका पीस हमने अलग कर लिया है और इसकी हमें लंबाई नापनी है सबसे पहले, कि इसका लेंथ कितनी है और हमें कितनी रखनी है। तो गले से हम सिर्फ 1/2 इंच ऊपर से लेंगे, क्योंकि फिर काफी बड़ा गला हो जाएगा। और देखिए, इसकी लंबाई ज्यादा आ रही है, तो ये वाली जो पट्टी है हम इसे भी निकाल लेंगे। ये इसके नीचे बॉटम पे लगी हुई थी, ये पट्टी हमने निकाल दी है। और अब इसे 2 लेयर में रखेंगे। सबसे पहले ये हमें बिल्कुल बीच सेंटर से रखना है, ये हमारे गले का बीच सेंटर है, तो इसे यहाँ से पकड़ के बिल्कुल बीच सेंटर निकालेंगे इसका। अब देखिए, इसका बिल्कुल बीच सेंटर निकाल के हमने इसे 2 लेयर में रख लिया है। ये सिर्फ हमारा फ्रंट पीस है और इसकी लेंथ नापेंगे। तैयार हमें रखनी है 37 इंच, तो इसमें हम ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो किनारी आई हुई है हम इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ से हमें ये वैसे 39 इंच है, और यहाँ पर हमें ऊपर से कपड़ा निकालना है, यहाँ पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा गला हो जाएगा अगर हम यहाँ ऊपर तक लेंगे तो। और यहाँ से ऊपर से नापेंगे, जो तीरा है हमारा वह है 7 इंच, यानी 14 है, 14 का 7 आएगा हाफ करेंगे तो। और अब हमें आर्म होल्स लेने हैं, वो भी हमें 7 इंच यानी 7 इंच लेने हैं, जितने हमारी तीरा होता है उसी का हाफ हमें लेना होता है, तो इसे निशान को हमें इससे मिलाना है। और ये हमारा फ्रंट पीस है, और यहाँ से हमें 1 इंच पर एक मार्क करना है, और 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई लेंगे, और इस निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ से देखिए, हम आर्म होल्स के साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे और गले की तरफ मिलाएंगे, और यहाँ से हम 3 इंच अपना गला लेंगे, क्योंकि इसमें कढ़ाई हुई है, ज़्यादा बीच में है, तो हम तो सिर्फ 3 इंच कला लेंगे इसका, और इस तरीके से मार्क करेंगे। और जो नीचे की तरफ लेंगे वो 6 1/2 इंच लेंगे। इस तरीके से हमें इसी शेप में गले को बनाना है। तो हमने इतना इतना कपड़ा छोड़ के और इस पर एक मार्क कर लिया है पूरे में। अब यहाँ से देखिए, हमें अपनी ब्रेस्ट नापनी है, तो ब्रेस्ट हमारी 37, और 37 का 1/4 भाग आएगा 7/9। 7/9 में 2 इंच हमें लूजिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ से हम लेंगे 11/11 इंच। और देखिए, यहाँ से अब हमें जो अपनी स्लिट खुली रखनी है वो रखेंगे हम 12.5 इंच, एक मार्क 12.5 पे करेंगे 6.5 इंच पर। यहाँ से हम अपनी कमर का नाप लेंगे, जो हमने 6.5 इंच नीचे किया है, तो कमर है हमारी 33 इंच, तो 33 का आएगा 8.25, और 8.25 में भी हमें 2 इंच लूजिंग के लिए रखना है, तो यहाँ पर लेंगे हम 10.25। और अपने यहाँ से हिप नापेंगे, तो हिप है हमारी 37, और 37 का भी 1/4 भाग आएगा 9.25, और 9.25 में 2 इंच हम लेंगे लूजिंग के लिए, तो यहाँ पर भी हमारा 11/11 आएगा। तो इस तरीके से हल्का सा तिरछा करेंगे इस टेप को और मार्क करेंगे यहाँ से इस निशान पे। और देखिए, यहाँ से हमारी 2 2 इंच की हमने जो मार्जिन छोड़ा है वो है, और यहाँ पर हमारी आएगी फिटिंग की सिलाई इस तरीके से। अब नीचे की तरफ जो हमें रखना है वो हम रखेंगे 11 इंच, 11/11 है हमारा ऊपर से, तो नीचे से भी यहाँ से हम बिल्कुल एक साथ लेंगे 11/11 इंच। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा मिला देंगे यहाँ से। अब इसकी हम कटिंग करेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले हम अंदर से गले की साइड से कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने मार्क किया है उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है इसकी। ये अभी हम फ्रंट पीस की कटिंग कर रहे हैं, बाद में हमें बैक पीस की कटिंग करनी है।
यहाँ से नीचे हमें बिल्कुल सीधा ही कट करना है। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारी जो स्लेट फोल्ड होगी, यहाँ से नीचे चौक खुले रहेंगे, तो एक कट लगा देंगे। अब बैक पीस को कट करेंगे। अब देखिए, ये बैक पीस के लिए जो कपड़ा है इसको भी हमें डबल लेयर करना है, यानी दो लेयर में करना है। अच्छे से सेट कर लेंगे। अब देखिए, ये बंद की साइड है और ये खुले की साइड है, और इसी तरीके से हमें कुर्ती को रखना है। ये खुले की साइड है और ये बंद की साइड है, और ऊपर से बिल्कुल इस तरीके से मिला के रख लेंगे कुर्ती को। ये पूरे को हम अच्छे से सेट कर लेंगे इसके ऊपर। और देखिए, अब यहाँ पर हमें आर्म होल्स हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने हैं, यानी यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये बैक पीस है, और इस तरीके से इसे मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लें ताकि कटिंग करते समय आप भूल ना जाएं। ये फ्रंट कम होते हैं आर्म होल्स और बैक ज़्यादा, तो इसलिए हमें सबसे पहले इस पर मार्क करना होता है। और यहाँ पर हम अपने गले की साइड से मार्क करेंगे। तो इसमें हम गला छोटा बना रहे हैं, बैक वाला गला छोटा रख रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर से तो हमें इसी के बराबर रखना है जितना ये हमारा फ्रंट है, और इसी तरीके से हमें ये डाउन करना है। और जो इसकी बैक पीस की हम गहराई लेंगे वो 5 इंच रखेंगे, और इस निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ पर भी आप या तो ऐसे ही कट कर लें या फिर मार्क कर लें। हम इसके ऊपर मार्क करेंगे। और देखिए, इसमें तो हमारे किनारे आई हुई है और ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है फोल्ड करने के लिए। और इसमें हम इससे थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे की तरफ लेंगे तो हम फोल्ड में एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हम नीचे से ही कट करेंगे इसको, और यहाँ से तो हमें बिल्कुल एक साथ कट करना है दोनों पीस को बराबर। जिस तरीके से मार्क किया है उसी तरीके से ये हमें कट करना है। और यहाँ से गले की साइड से भी ऐसे ही कट कर लेंगे। देखिए, ये हमारे दोनों पीस कट हो चुके हैं। और देखिए, यहाँ पर हमने कट लगाया है फ्रंट पीस में, तो हमें बैक पीस में भी कट लगाना है ताकि इससे पता रहे कि हमें कितनी स्लिट खुली रखनी है। और यहाँ पर भी हमें चारों पीस में एक कट लगाना है। इन कट से क्या है कि हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है नीचे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब देखिए, ये हमारा फ्रंट पीस और ये हमारा बैक पीस, दोनों पीस कट हो चुके हैं। इसकी बाजू कट करेंगे और गले की पट्टियाँ कट करेंगे। अब देखिए, इस कपड़े को हमें डबल लेयर में रखना है इस तरीके से। और इसकी जो हम बाजू तैयार रखेंगे वो 4.5 इंच लंबी तैयार रखेंगे। तो इसको हम देख लेंगे कि ये हमारा कपड़ा कितना है। ये हमारा 6.5 इंच है, तो 2 इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में ऊपर और नीचे, तो 4.5 की बाजू तैयार रह जाएंगी। और यहाँ से इसे नापेंगे तो हम रखेंगे 18 इंच। यहाँ से इस कपड़े को 18 पर हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। और अब इस कपड़े को देखिए, हमें फोल्ड लेयर में रखना है इस तरीके से। अब इस पे हमें मार्क करना है। यहाँ से तो हमने बंद की साइड से अपनी बाजू की लंबाई नाप ली है, और यहाँ से हमारे आर्म होल्स की साइड 9 इंच रखना है क्योंकि 7 इंच हमने अपने आर्म होल्स कट किए हैं। तो यहाँ पर एक मार्क करेंगे हम 4 इंच पे। और ये खुले की साइड है, यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, और इस निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है यहाँ पर। और देखिए, यहाँ से जहाँ से हमने ये निशान लगाया था 4.5 इंच पे, यहाँ पर 1/2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, और इस मार्क को हमें ऊपर तक इस तरीके से मिलाना है और इधर भी इस तरीके से। ये हमारे फ्रंट का होगा और वो हमारे बैक है। और नीचे से आप जितना बॉटम बाजू का खुला रखना चाहते हैं उससे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। हमारा 6.5 है तो हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पर 8 इंच लेंगे, और इस निशान को हमें इससे इस तरीके से मिलाना है। और देखिए, यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल भी कट ना करें कपड़े को।
इससे क्या है कि बाजू छोटी हो जाती है। हम बिल्कुल बराबर कपड़ा लेते हैं तो सबसे पहले बाहर की साइड से कटिंग कर देंगे और इस बाजू को खोल के रखेंगे। नीचे से ये हमारी जॉइंट है, इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। और ये जो हमने हाफ इंच इसमें मार्क किया है, इसको भी हम कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस की तरफ आएगा। अब देखिए इसकी बाजू भी कट हो चुकी हैं और इसके दोनों पीस कट हो चुके हैं। अब इसमें से हम गले की पट्टियां कट करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट पैटर्न है जो फ्रंट गले की साइड से निकला है और ये हमारा बैक वाला है। सबसे पहले कपड़े को हमें दो लेयर में रखना है और इस तरीके से हमें इसको पैटर्न को इसके ऊपर रखना है। ये हमारी पैटर्न की भी बंद साइड है और कपड़े की भी, और एक मार्क कर लेंगे। सबसे पहले देखिए आप जितनी भी पट्टी चौड़ी रखना चाहें उस हिसाब से रख के और कपड़े को कट करें। इसी तरीके से हम बैक वाले को कट करेंगे जिस तरीके से हम फ्रंट कट कर रहे हैं। ये देखिए ये गले में बिल्कुल सेट पट्टी आएगी। और अब ऐसे ही हम बैक पीस की भी कटिंग करेंगे। अब देखिए इसके ये दोनों पीस कट हो चुके हैं और ये दोनों गले की पट्टियां और बाजू हमारी कट हो चुकी है। ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई, वीडियो कटिंग करने का तरीका कुर्ती को पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।